बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि फोरियर एनालिसिस हम एलटी स्पाइस में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। तो मैं डायोड में डायोड को क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ और फिर मैं 1, 2, 3, 4 हमारे पास डायोड्स आ गए। एक रेजिस्टिव लोड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मुझे चाहिए फिर सोर्स। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ वोल्टेज और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक सिंगल फेज फुल ब्रिज के लिए ये कंपोनेंट्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले डायोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड ऑफ D1 विद कैथोड ऑफ D2 और फिर हमारे पास एनोड ऑफ D3 विद एनोड ऑफ D4 और फिर ये एनोड और कैथोड में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। R1 का एक एंड हम कनेक्ट कर देंगे इस कॉमन कैथोड एंड के साथ और एक हम कनेक्ट कर देंगे कॉमन कैथोड वाई एंड के साथ। ओके, अब सोर्स को कनेक्ट करने का टाइम है। मैं इस इन कंपोनेंट्स को ज़रा सा कॉर्नर में ले जाता हूँ। ओके, तो सोर्स का जो एक एंड है वो हमारे पास कनेक्ट कर देंगे इस फर्स्ट लेग में और सोर्स का जो दूसरा एंड है वो हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे लेग में। तो ये हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। राइट क्लिक करके रेजिस्टर के ऊपर कोई वैल्यू सेट कर देते हैं। मैं 10 वोल्ट 10 ओम की जो है वो रेजिस्टेंस सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सोर्स साइड पे एडवांस्ड में जाके मुझे क्योंकि साइन आउटपुट इनपुट देना है इस रेक्टिफायर को। लेट मी इनपुट 12 वोल्ट, सॉरी डीसी है ये 12 वोल्ट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैंने टाइप कर देना है और फ्रीक्वेंसी फॉर इंस्टेंस इज 20। ओके, तो ये इसके जो पैरामीटर है उसकी उनकी सेटिंग्स हो गई हमारे पास। हम एक ग्राउंड जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं सोर्स के साथ, इस एंड के साथ। ओके, तो अब हमारे पास रन करने के लिए हमें चाहिए स्टॉप टाइम। यहाँ पे हम स्टॉप टाइम कर देते हैं, लेट्स से 0.1 सेकेंड एंड ओके। यहाँ पे कहीं भी आप इसको प्लेस कर दें। ओके, अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं सोर्स वोल्टेज देखना चाहता हूँ मैं इस एंड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो नोड है इस पॉइंट का जो नेट है वो N002 है। अच्छा, ये प्रीवियस लैब में भी हम इसी तरह करते रहे लेकिन ये जो नोड का नेट है ये याद रखना या इसके साथ कनेक्ट होना ज़रा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना लेबल जो है वो खुद असाइन कर दें, लेबल नेट, और यहाँ पे आप टाइप इन कर दें। फॉर एग्जांपल ये सोर्स वोल्टेज है, आप इसको से VS का नाम दे दें। तो इसके साथ ये आप एक स्क्वायर देख सकते हैं, ये अगर लाइन के ऊपर लगा दें और फिर आप इसको रन करें। ठीक है, तो अब ये जो VN002 है अब ये कोई किसी और चीज़ को असाइन कर दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो सोर्स आपको नज़र आएगा वोल्टेज। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा सा विजिबल हो, ये मैं रेड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है सोर्स वोल्टेज ब्रैकेट में आपको VS नज़र आ रहा है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरी वेव फॉर्म है उसको मैं फॉर द टाइम बीइंग
पहले सेलेक्ट करके फिर ये कट की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करके मैं इसको लेबल पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगा कि कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और रेजिस्टर के एक एंड से स्टार्ट करूँगा, माउस की को होल्ड रखते हुए दूसरी जगह जब कर्सर जो है प्रोब जो है वो ब्लैक हो जाए वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दूँगा दोबारा। तो ये जो अभी हमारे पास वेव फॉर्म आई है ये हमारे पास आई है वी नॉट की, आउटपुट वोल्टेज की। ओके, तो अब हमारे पास वेव फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसकी जो फोरियर एनालिसिस है वो अब हम कर सकते हैं। ओके, तो फोरियर एनालिसिस के लिए मैं जो पहले ये जो सोर्स वोल्टेज है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर सकूं आउटपुट वेव फॉर्म पे। तो FET फाइंड करने के लिए हम इधर पहले जो डिस्प्ले विंडो है ग्राफ विंडो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिर व्यू में आके FFT, और यहाँ पे आपको जो वेव फॉर्म है ये पर्टिकुलर जो आउटपुट वेव फॉर्म है जो कि N001 और N002 के बीच है ये यहाँ पे इसमें हमारे पास नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि जो ग्राउंड है इसको हम मूव कर देते हैं इस ग्राउंड को हम मूव कर देते हैं लोड के दूसरे एंड पे, इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि ताकि हमारे पास जो वेव फॉर्म अभी आए वो विद रिस्पेक्ट टू और बेहतर ये कि मैं इसलिए इस नेट को वी नॉट लेबल कर दूँ, इस नेट को मैं वी नॉट लेबल कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ इसको और इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब जस्ट जो वी नॉट है वो वी नॉट ये हमारे पास जो है आउटपुट वेव फॉर्म है। ओके, तो अब हम एडिट में आके मैं वेव फॉर्म की विंडो सेलेक्ट कर देता हूँ, वी में आके FFT, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम कुछ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं बजाय सारा टाइम कंसिडर करने के लिए FFT के उसके लिए कंप्यूटेशन के लिए। इसी तरह जो है हम स्मूथिंग कर सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्ट करके जितना हम करना चाहते हैं, लेट्स से 3 पॉइंट्स आर इनफ, और विंडोइंग जो है ये डिफरेंट ऑप्शन है इसकी, हम इस फिलहाल इसमें नहीं जाते, हम सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। तो हमारे पास FFT कुछ इस फॉर्म में आ जाता है जो कि काफ़ी नॉइजी लग रहा है। इसमें हम राइट लेफ्ट साइड पे जो एक्सेस है ये dB में है, इसको हम राइट क्लिक करके इसको लीनियर कर देते हैं और फिर ओके प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब कुछ बेहतर है, और इसी तरह जो एक्स एक्सिस में रेंज है ये कुछ मेगा हर्ट्स तक चली गई है, हम इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं से 10 किलो हर्ट्स तक तो ये काफ़ी है, ठीक इवन 1 किलो हर्ट्स भी इस लिहाज से काफ़ी है कि बाकी की जो वैल्यू है इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो अब आप इसको का जो स्पेक्ट्रम है उससे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रिड को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि यहाँ से हमें जो एम्पलीट्यूड है उसका क्लियरली पता चले। तो इस तरह से हम FFT फाइंड कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास रेक्टिफायर हो, इन्वर्टर हो, पावर सर्किट हो, उसका हम फाइंड कर सकते हैं
FFT। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, और वो मेथड है हमारे पास कि हम जो 4 ईयर की डायरेक्टिव है उसको यूज़ करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं स्पाइस डायरेक्टिव्स में, और उसमें हम लिखेंगे डॉट फोर फॉर दी 4 ईयर, और फिर लिखेंगे उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम लिखते हैं जो हमारे पास जिस वे फॉर्म काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 4 ईयर ऑफ वी नॉट हम देखना चाह रहे हैं, और दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ये आपने कहीं पे इस तरह से प्लेस कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर हम रन करें अपने इस सर्किट को, तो आपको जो दूसरा FFT टूल है उसकी तरह आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा विजिबल, बल्कि आपको आना पड़ेगा स्पाइस एरर लॉग में। तो स्पाइस एरर लॉग में आके आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है 4 ईयर के जो जो हार्मोनिक्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे हैं, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो कॉलम है, सॉरी, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो हार्मोनिक नंबर है, उसके बाद का जो कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसीज का, और उसके बाद है 4 ईयर कंपोनेंट्स का। तो उसके जो लेट्स से और डीसी कंपोनेंट यहाँ पे है, डीसी इसका जो डीसी कंपोनेंट है वो है 6.07 वोल्ट। फंडामेंटल जो है, मतलब जो 50 हर्ट्स का अगर हम देखें, तो वो है सम 10 to the power -4, जो कि मतलब बहुत कम है, दैट्स ऑलमोस्ट जीरो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और 100 हर्ट्स पे है 4.899 या 4.9 वोल्ट्स। तो इसका मतलब इसमें 50 हर्ट्स का कंपोनेंट नहीं है, जिस तरह की हमें नज़र आ रहा है इसकी आउटपुट वेव फॉर्म से, कि इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो 100 हर्ट्स वाला है। ठीक है, फिर इसी तरह अगला जो ऑड है वो फिर से इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और फिर जो इवन है उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो कंपेरेटिवली बेहतर है। और उसके बाद आपको एक टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है उसकी वैल्यू भी कंप्यूट करके बताता है। सो एट द मोमेंट ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम एसी साइड किसी एसी वेव फॉर्म का नॉर्मली THD देखना चाहते होते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में ये चीज़ आ गई है।